ओम शांति। आज हम 81st मॉड्यूल रिवाइज करेंगे, पुरुषार्थ का मुख्य आधार, कैचिंग पावर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। देयर आर टू टर्म्स, कैचिंग पावर एंड टचिंग पावर। लेकिन इस बात को हम जैसे अभी तक समझते रहे हैं, शायद उससे डिफरेंट मीनिंग बाबा ने इसमें बताया है। लौकिक में इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं कि कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है और टीचर की बात को वो अच्छे से समझ लेता है या पेरेंट्स की बात को अच्छे से समझ लेता है, तो कहते हैं इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। वो मीनिंग भी ठीक हो सकता है, लेकिन बाबा ने इसमें एक काफ़ी डिफरेंट मीनिंग बताया है। और पुरुषार्थ का मुख्य आधार बाबा ने इसको कहा है, तो हम देखेंगे ये मुख्य आधार जो कैचिंग पावर है ये कौन सी बात है। तो इसमें 10 रिविज़न के पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे क्योंकि आप ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे रिवाइज करने के बाद। बाबा ने कहा कि आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। एक बात इसमें हम ये भी समझ लेते हैं कि जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो अष्ट शक्तियों की बात तो हम करते ही हैं कि हमारी 8 पावर्स हैं। लेकिन हमें ये बात और याद रखना है कि बाबा ने 8 के अलावा बहुत सारी बातों के बारे में, बहुत सारी मुड़ी में पावर्स की बात की है। तो वो लिस्ट भी हम अलग से बनाते जाएंगे, कहीं डायरी में एक अलग से पेज पे हम ऊपर लिख देंगे कि 8 शक्तियाँ प्लस, मतलब 8 तो हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी हैं। तो उसमें से एक हो गई कैचिंग पावर। कई बार बाबा कहेंगे परिवर्तन की शक्ति, कई बार कहेंगे महसूसता की शक्ति, तो वो सारा हम लिस्ट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि क्या। तो पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। फिर इसमें साइंस का एग्जांपल दिया है, जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली दो एलिमेंट हैं, टाइम एंड स्पेस। इसका क्या मीनिंग है? स्पेस का मतलब है कि यहाँ पे इंडिया में बैठ के हम कोई डिस्टेंट प्लेस, अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, कहीं की साउंड कैच करते हैं। और जो कि हम करते ही हैं, जितने भी हमारे सिग्नल्स आते हैं, जैसे हमारा रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन होता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो ये हो गया स्पेस के डायमेंशन में। लेकिन टाइम के डायमेंशन में क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं पहले की साउंड कैच कर रहे हैं। लेट से आज से 500 ईयर्स पहले कुछ बोला गया और वो स्पेस में साउंड है, तो उस साउंड को कैच करना, यानी ये हो गया टाइम के डायमेंशन में। तो टाइम एंड स्पेस, ये टू डायमेंशंस के थ्रू ये बात कैचिंग की हो रही है। तो साइंस वाले ऐसे करते हैं। बाबा ने तो एकदम एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया कि अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो। तो ये है फंडामेंटल क्वेश्चन इस मुरली का। ये कैचिंग पावर हमें चाहिए। कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। तो जगदीश भाई कई बार कहते थे कि अव्यक्त मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियां हैं ज्ञान और विज्ञान। तो ये भी हम फोकस कर सकते हैं कि बाबा ने कितने साइंटिफिक एनालॉजीज को यूज करके हमें ज्ञान को एक्सप्लेन किया है, और वो स्पिरिचुअलिटी के जो साइंस है वो क्या चीज़ है। तो ये भी एक साइंस है। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ।
जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों का और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। वैसे भी आप देखो कि कोई भी सिग्नल अगर हमें रिसीव करना है अभी और हमारी लाइन अगर क्लियर नहीं है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है और हम यहीं की बातों में लगे हुए हैं, तो डिस्टेंट जगह से या पहले के समय से जो बात आ रही है, जो वाइब्रेशन आ रही है, उसे हम कैसे कैच कर सकते हैं? फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो समझा, इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। तो इसको कहते हैं कैचिंग पावर, अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। तो कैचिंग पावर का पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर, और कैचिंग पावर का आधार है स्मृति, स्मृति श्रेष्ठ और स्पष्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है हमारे लिए कि अपनी स्मृति को हम श्रेष्ठ और स्पष्ट कैसे बनाएं। स्मृति को श्रेष्ठ और स्पष्ट कैसे बनाएं और उसमें साइलेंस का क्या रोल है? तो भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है, इसको यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू हमने दिखाया है कि जैसे जैसे आपकी स्मृति चेंज होगी तो आपकी वृत्ति और दृष्टि उसके साथ चेंज होंगी ही। तो ये इनएविटेबल प्रोसेस है। फिर यह कुमार ग्रुप क्या करेंगे, क्या बन जाएंगे? अनुकुमार अर्थात अनोखे। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता स्वरूप और दैवी रूप। हर एक ऐसा अनुभव करेंगे जैसे चलता फिरता लाइट हाउस है, ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो जब 5000 वर्ष को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है? तो एक तो हो गया इसमें पास्ट ओरिएंटेड कि हम क्या थे, और एक है क्या हमें बनना है, फ्यूचर ओरिएंटेड फरिश्ता। तो आदि के संस्कार और अंत के संस्कार दोनों ही हमें कैच करने हैं। जो कुछ भी कमी रह गई है वह भर कर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना कभी कुछ कमी ना रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना कि जैसे कभी कभी सतयोगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता, ऐसे आप लोगों की कमजोरियां और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट बनने वाली बात है। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बात याद रखनी है, और बहुत सिंपल बातें हैं, गेस्ट हाउस एंड गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है। तो पुरानी दुनिया में सदैव अपने आप सदैव गेस्ट हाउस समझो इसको। तो ये दो सिंपल टर्म्स याद रखने के लिए, और लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी एक सेकेंड भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं। तो पहले बाबा कह रहे हैं 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है, फिर बोलते हैं लेकिन अभी नहीं करना है, तभी बेस्ट बनेंगे, समझा? क्योंकि ये है हार्ड वर्कर ग्रुप, कभी रेस्ट नहीं करता, कभी वेस्ट नहीं करता। ओके, इट्स वेरी सिंपल, कभी रेस्ट नहीं करेंगे, कभी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके जी, सेवा के सिवाय कुछ सूझे ही नहीं, यह है नाम का काम। यह भी याद रखना कि सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तभी बाप दादा से आफरीन मिलेगी। और समाना और सामना करना हमारा निशाना है, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। तो ये भी बहुत अच्छी बात है बाबा, ये हमें हेल्प करने के लिए कुछ कुछ चीजें बीच में बताते हैं। तो सामना माया से करना है, ना कि देवी परिवार से, ये और भी जरूरी बात है। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है,
नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बनेंगे। तो तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का। उसके बाद अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना, सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। तो ये सावधानी बाबा ने कई बार हमें दी है 69 से लेके अब तक। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कुछ किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो ये बाबा ने इक्वेशन हमें बता दी है, अधिकार में से अगर सत्कार चला गया तो बेकार हो गया। तो दोनों बातों को साथ साथ याद रखना है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि बाबा कई बार हमें अनयूजुअल मीनिंग बताते हैं यूजुअल चीज़ों के, यूजुअल कॉन्सेप्ट्स जो हमें लगते हैं। तो जैसे कैचिंग पावर का आज हमने एक नया मीनिंग देखा, और कुछ जो नोन टर्म्स हैं उनके अननोन मीनिंग हमें पता चलते हैं। और 5000 साल के पूर्व के संस्कारों को कैच करना, इसे हम स्पिरिचुअल डिस्टेंस लर्निंग भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बाबा हमें बातें बताते हैं उनके हम कुछ कुछ स्पिरिचुअल इक्वेशंस बना के भी याद कर सकते हैं। और हर वर्ल्ड में एक दो इक्वेशन ऐसी होती ही है। जैसे एक इक्वेशन आज हमने ये देखी, अधिकार में से सत्कार गया तो बेकार हो गया। और दूसरा इक्वेशन हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला, स्मृति श्रेष्ठ होने से वृत्ति और दृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें हमने देखी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैचिंग पावर, टाइम एंड स्पेस दो डायमेंशन में देखना है, और ये पास्ट ओरिएंटेड भी है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। पास्ट में आदि आदि वाले संस्कार, देवता वाले संस्कार, और फ्यूचर ओरिएंटेड यानी फरिश्ते रूप के संस्कार को कैच करना है। और ये ही किसी भट्टी का या योग का लक्ष्य है। और दूसरा भाव ने कहा कि जैसे साउंड को कैच करते हैं साइंस वाले, और साइलेंस वालों को करना है संस्कारों को कैच। ये सब पूरा प्रोसेस निर्विघ्न रूप से और अच्छा स्मूथली हो, इसके लिए आपकी स्मृति श्रेष्ठ और स्पष्ट चाहिए, क्योंकि कैचिंग पावर का आधार स्मृति है। तो इस पे भी काम करना है कि ये कैसे होगा। तो आदि स्वरूप और आदि संस्कार को करना है। ये हमने देख लिया कि जैसी स्मृति होती है वैसी ही वृत्ति और दृष्टि हो जाती है। अंतिम स्वरूप का अनुभव करना है, दो शब्द याद रखना है, गेस्ट हाउस एंड गेट आउट। कोई रेस्ट नहीं करना है, कोई वेस्ट नहीं करना है। माना है पुराने संस्कारों को सामना करना है माया से। अधिकार में से सत्कार गया तो बेकार हो जाएगा। तो ये छोटी सी मुरली हमने रिवाइज की, लेकिन काफी अच्छी मुरली है। अब चाहे तो इसमें कुछ नोट कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।